एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा जी से मिलना चाहता हूँ। जी कहिए, मैं ही हूँ डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा। सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं जनेंद्र चतुर्वेदी, आपसे अपॉइंटमेंट ली थी मैंने। प्लीज आज ही आप मुझे वो मशीन दिखा दीजिए सर। ये वो इन्वेंशन है जिसकी वजह से आप इतनी दूर से आए। वाह डॉक्टर साहब, अब देखने में तो बहुत ही अद्भुत मशीन है ये, लेकिन वाकई ये लग बदल सकती है ना? चतुर्वेदी जी, ARTD सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये, यानी कि अमेरिकन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपर्स। अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार 90% सक्सेस रेशियो है इसका, यानी कि ये मशीन 90% चांस रखती है किसी का भी लक बदलने का। ओ, मतलब डॉक्टर साहब अभी भी 10% का डाउट है। नहीं, एक अपग्रेड वर्जन भी है इसका, 99% सक्सेस रेशियो है उसका, बट इंडिया में आने में 2 साल लगेंगे। आप एक काम कीजिए, 2 साल बाद कांटेक्ट कीजिए मुझसे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, 2 साल बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसी मशीन पे चेक कर लेता हूँ। इसके लिए आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। हाँ करूँगा। डेमो के लिए कुछ लाए हैं आप? जी। ओके, आइए बैठे आप। आने वाले 2 मिनट के बाद आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी। आने वाला टाइम आपके लिए लाइफ चेंजर होगा। जस्ट रिलैक्स। एक लंबे इंतजार के बाद अब मुझे लग रहा है अब मेरी जिंदगी पटरी पकड़ने वाली है। पर कल तक क्यों लगता था कहीं जिंदगी का ये पूरा सफर वेटिंग टिकट पे ही नहीं काटना पड़ जाए। इस सोच की भी कई वजह थी और इन वजहों की भी कई कहानियां थी। राधिका, आज तुम सूरज को राखी नहीं बांधोगी, इसका मतलब क्या है? देखो सगा भाई है तुम्हारा, और इतना घमंड मत करो तुम, वो भी भगवान का दिया है। तुम्हारे ना कहने से तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता। पापा, आपको ना सिर्फ आपका बेटा दिखाई देता, उसकी करतूतें दिखाई नहीं देती। फरेब करे वो, गुनहगार बने हम। अरे कौन सा फरेब किया है, थोड़ा सा हेरा फेरी कर लिया जो सारे करते हैं आजकल। पापा, कोई छोटा मोटा फरेब नहीं किया है। जिन गरीब बच्चों को हम चैरिटी के नाम पे पढ़ा रहे थे ना, उसके नाम पे एक फर्जी एनजीओ का अकाउंट खोल लिया है और गलत तरीकों से सरकारी फंडिंग का भी जुगाड़ कर लिया, और अब देखो अय्याशी कर रहे। अरे तुम इतना गुरगुराओ मत। देखो तुम्हारी चैरिटी करने से तुम्हें क्या मिलता है? मन का चैन। और मेरे जुगाड़ करने से तुम्हें क्या मिलेगा? सोने की चैन, तुम्हारी राखी का गिफ्ट। लो। मैं तुम्हारी बेईमानी का भागीदार बनना ही नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? सोना फेंक दिया। ये सोना जो है लक्ष्मी जी का आभूषण होता है, पता है? अरे आप कहाँ जेब में डाल रहे हैं, बाहर निकालिए। राधिका नहीं पहन रही तो आपको पहना दीजिए। निकालिए ना। अरे हमारे लिए क्या लाए? आपका गिफ्ट आपको बाद में देंगे, पहले अपनी बहन से राखी बंधवा लें। लो बहन, बांधो राखी। देखो राखी गई भाड़ में, अब तुम्हें ना हथकड़ी बंधवाएंगे हम। बस करो राधिका, पगला गई हो क्या? हथकड़ी लगाओगे अपने भाई को त्योहार वाले दिन? आफत मत मचाओ। अम्मा देखो, आफत तो उस दिन आएगी जब आपके लाडले बेटे के चक्कर में ना हम सारे बर्बाद हो जाएंगे। कई बार मजबूरी में हम अपनों की असलियत भी दुनिया से छिपा लेते हैं, लेकिन कई राज हमारे अपने भी तो होते हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कहते और अंदर का शोर दबाकर उस पर खामोशी का ढक्कन लगा देते हैं। फिर खुद को बिजी रखने का दिखावा करते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे बस के बाहर होता है। राधिका, माई डिसीजन इज फाइनल, आई वोंट चेंज इट नाउ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इतने सारे लोगों को जॉब से निकाल देंगे तो कहाँ जाएंगे वो लोग? जहाँ जाना है जाएं। मैं अब किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। पिछले 1 साल से मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, छटाई तो करनी पड़ेगी ना। क्या ये तुम तो बड़ा बोला करते थे ना, हाँ, कि मेरे माँ के ट्रीटमेंट के लिए इस कंपनी से लोन करवा दोगी।
जॉब से निकलवा दिया तुमने। अरे पैसा के पेड़ पे उगता है जो हर दो महीने के बाद पैसा बढ़ने को बोल देती है। साहब 2 साल से 3,000 में ही काम कर रहे हैं। राधिका दीदी ने बोला था कि इस महीने से 4,000 देंगे। सुन सुन सुन, ये घर के मालिक जो हम हैं, राधिका नहीं है। सुलक्षणा तो अंदर जाके काम कर, टेंशन मत ले। जी दीदी। पापा किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हुए आपको शर्म नहीं आती? इतने कम पैसों में वो कितना काम करती है, और अगर हम जरा सा पैसा बढ़ा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी उसको तनख्वाह तो हम देते हैं ना। अच्छा तू अब ये जता रही कि हम भी तेरा दिया हुआ खाते हैं, तो अपने अहंकार में अपने भाई की तरह अपने बाप को भी घर से बाहर निकाल देना। नहीं खाना है हमें तुम्हारा खाना। अगर आप सोचते हैं आप स्वाभिमानी हैं, तो मान लीजिए लोग आपको अभिमानी ही समझेंगे। जब ग्लास आधा भरा होता है तो लोग उसको आधा खाली ही कहते हैं। लोगों की नजर में मेरा सच भी ऐसा ही था, आधा। अब खाली हो या भरा हुआ मालूम नहीं, पर मैं इसी अधूरेपन से भाग रही थी। और जब भी कोई सच हमारे अंदर ही मर जाता है तो वो हमें जिंदगी भी अधूरी ही देता है, और मौत भी अधूरी। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे लड़की की पहचान हो, और जिस मात्रा में खून पड़ा हुआ है। आने वाला कल हमारी सारी तकलीफें दूर कर देगा। कई बार तो इंसान मिट जाता है पर उम्मीदें नहीं मिटती। यूं होता तो वो होता, यूं ना होता तो वो हो जाता। ये वो सारी बातें हैं जिनके बारे में सोच सोच कर हमें अक्सर अपनी असल परिस्थिति पर मलाल होता है। पर अगर दर्द के राज गहरे हों और चेहरे पर मुस्कान ठहरी हो, तो ऐसी जिंदगी वो रहस्य है जो हर तकलीफ झेल जाती है। जिस लड़की की हत्या हुई थी उसमें भी यही जिंदगी छिपी थी। सवाल ये है कि आखिर उसकी जिंदगी छीनी क्यों गई? सर पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग लड़की के लोअर एब्डोमेन पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई है। रेप के कोई साइन नहीं है, लेकिन उसका यूट्रस पूरी तरह से डैमेज है, और सर लड़की की उंगलियां भी पूरी तरह से डैमेज है, जिसकी वजह से बायोमेट्रिक्स के जरिए उसकी पहचान पता करने में प्रॉब्लम हो रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि यूट्रस को निकालने की कोशिश की गई हो, शायद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पर्पस से? नहीं मनीष, लाश की हालत देखकर तो यही लग रहा है कि किसी ने अपनी गहरी रंजिश निकाली है। ये काम किसी मानसिक रोगी का भी हो सकता है। ये कोई बिल या रिसीट है, पर खून बहुत है इस पे, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। सुमित इसको सॉल्वेंट से वॉश करवाओ, शायद कुछ पढ़ने में आ जाए। सब लखनऊ के एक यूनिसेक्स सैलून का बिल है। जी सर, इस पर लखनऊ का एड्रेस तो लिखा है, लेकिन सर सैलून का फोन नंबर नहीं है। ये बिल है 24 जुलाई का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
हाँ मनीष, फोटो मिला मुझे? सर वो फोटो मैंने यूनिसेक सैलून के बाहर के सीसीटीवी से लिया था। वो लड़की 24 जुलाई को लखनऊ के इसी यूनिसेक सैलून में आई थी। नाम पता चला उसका? सैलून के मालिक से बात किया सर, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन सर उसने यहाँ पे कार्ड से पेमेंट किया था, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मैंने निकलवा ली हैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कार्ड किसके नाम पे इशू हुआ था। तुम लड़की का नाम एड्रेस पता करो, मैं निकलता हूँ लखनऊ के। राधिका सिंह यहीं रहती है? हाँ जी, बेटी है हमारी। आप लोग कौन? इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस? आइए ना, आइए, अंदर आइए। आपको इंस्पेक्टर त्रिपाठी जी ने भेजा है क्या? इंस्पेक्टर त्रिपाठी? हाँ, वो कासगंज वाले, उन्हीं के पास राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। आपने राधिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, अब आपको FIR की कॉपी दिखाएं क्या? आप बताइए ना, राधिका को कुछ पता चला? 27 जुलाई को हमें दिल्ली में एक लड़की की लाश मिली, जिसका 25 जुलाई को मर्डर हुआ। लाश की जेब से हमें यहाँ लखनऊ के एक सैलून की रसीद मिली है, जहाँ पर राधिका 24 जुलाई को गई थी। अम्मा, हम सैलून जा रहे हैं। क्या ये राधिका है? फोटो में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी राधिका तो कानपुर गई थी। आपको लाश दिल्ली में मिली है ना? कानपुर? क्या बोल के गई थी कानपुर में? वो कहाँ जा रही है? शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए गई थी बाजार में। उसके बाद उसका फोन बंद आने लगा, हम टेंशन में आ गए। वो त्रिपाठी जी को हम रिपोर्ट लिखवा दी। दिल्ली में आपका या राधिका का कोई जानने वाला रहता है जहाँ पर राधिका जा सकती है? दिल्ली में तो क्या, हमारा कानपुर में कोई जान पहचान वाला नहीं है। त्रिपाठी जी, ये राधिका की मिसिंग कंप्लेंट कौन सी डेट में दर्ज हुई थी? ये 26 जुलाई की दोपहर को। हमने कानपुर पुलिस से भी राधिका की डिटेल शेयर की थी, लेकिन फिलहाल वहां से कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन 25 जुलाई की सुबह 9:30 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज में राधिका कैप्चर हुई थी। ये देखिए सर, वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे देखी गई थी, जहां से उसने कानपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। लखनऊ से कानपुर जाने वाली वो ट्रेन दिल्ली तक भी जाती थी, लेकिन सवाल यह था कि राधिका उसी ट्रेन से दिल्ली गई थी या फिर कानपुर उतरने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो गायब हो गई। राधिका के बर्थमार्क से उसकी लाश की शिनाख्त कर ली गई, लेकिन दिल्ली पुलिस की चुनौती ये थी कि उन्हें एक ऐसे विक्टिम का मर्डर केस सॉल्व करना था जो दिल्ली की थी ही नहीं। पर सवाल यह था कि राधिका की हत्या के तार दिल्ली से जुड़े थे या फिर लखनऊ और कानपुर से, और इस हत्या का मोटिव क्या था? सर, राधिका ने 25 जुलाई से 3 से 4 दिन की लीव मांगी थी। तो लीव लेकर वो कहाँ जाने वाली थी, कुछ बताया था उसने? ये तो नहीं बताया, लेकिन कुछ पर्सनल काम था ये बताया था। फिलहाल हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि 25 जुलाई को राधिका को कानपुर में कहीं देखा गया। आप लोग अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, शायद राधिका कानपुर की किसी जगह का नाम आपसे बोल के गई हो जहाँ वो जाने वाली है। किसी मार्केट वगैरह का नाम लिया हो उसने? नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही बोल के गई थी कि वो कानपुर शॉपिंग के लिए जा रही, शादी की शॉपिंग। राधिका को जिस ढंग से मारा गया है उससे तो यही लगता है कि राधिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। किसी पे शक है आप लोगों को? बाबूजी, अम्मा, आप सोच कर रहे हैं? सर को बताइए ना, मुझे उसी पे शक है, वही है, मैं बता रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हो तुम? विजय, विजय दोस्त था राधिका का। राधिका? ए विजय, अंदर कहाँ घुस रहे तुम? राधिका से मिलने आए हम। नहीं मिल सकते तुम राधिका को। नहीं कायब, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम हमारे नाम राशि के ना होते तो अभी के अभी हमारे बेटे को बुला के ना तुम्हारी कुंडली बिगाड़ दिए होते। निकल जाओ यहाँ से। कल जी ऐसा है, हम भी आपसे प्यार से कह रहे हैं, हम आए हैं राधिका से मिलके जाएंगे। राधिका, क्या बात करनी है? हा? देखो, हमने तुम्हें साफ साफ बोल दिया था पहले ही, हम बद्री जी से शादी कर रहे हैं। हमें पता, तुम हमसे भी प्यार करती हो। अरे बता दिया ना तुमको, बद्री जी से शादी करेंगे करके। निकल जाओ। रहता कहाँ है विजय? सर, ये रतन तिवारी है, इस इलाके के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। अरे नहीं, बड़े हम नहीं, बड़े डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के आए हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और पल भर में सब बदल सकता है, तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं। हाँ, लेकिन आपके विज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। डेमो के लिए कुछ लाए हैं? जी बिल्कुल।
सर हमारी सर सर हमने राधिका को नहीं मारा सर, सर राधिका घर वाले झूठ बोल रहे हैं सर, सर हम प्यार करते थे राधिका को, वो भी हमसे शादी करना चाहती थी। पर राधिका ने तो तेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था। तोड़ दिया था सर, लेकिन हम बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, वो अच्छा खासा कमा रहे थे, हम जॉबलेस थे, हमारा हमारा टेम्परामेंट मैच नहीं होता था। वो फ्रस्ट्रेट होकर हमने उसको एक दिन कुछ बोल दिया, वो बुरा मान गई सर। राधिका हमारी बात सुनो ना राधिका, राधिका प्लीज 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 राधिका, हम तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है सर। हमें तो लगता है कि उसका बाप और भाई मिलकर उसे हमारे खिलाफ भड़का रहे थे, क्योंकि वो उसकी शादी किसी और आदमी के साथ कराना चाहते थे। और ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए तूने राधिका को? सर हमने राधिका को नहीं मारा सर, अगर हमको खुंदक थी ना तो उसके बाप और भाई से थी, एक नंबर के लालची लोग हैं वो, और इसी लालच की वजह से उसकी शादी एक बड़े उम्र के आदमी के साथ करा रहे थे सर वो। ये आप क्या बोल रहे हैं सर, राधिका का मर्डर कैसे? तुम्हें वाकई में कुछ नहीं पता या कोई ड्रामा? सच कह रहे हैं सर, हमें कुछ नहीं मालूम। तो इस दौरान तुम्हारी राधिका के माँ बाप से कोई बातें नहीं हुई? आखिरी बार बात तब हुई थी जब उन्होंने हमारा और राधिका का रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारा और राधिका का रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया? जी सर, वो हमसे बोले कि राधिका हमसे शादी नहीं करना चाहती, पर सर हमें विश्वास नहीं हुआ, हम खुद राधिका से मिलके इसकी वजह जानना चाहते, लेकिन उसका फोन बंद पड़ा। तो जब तुम्हारी राधिका के साथ फोन पे बातें होती थी तो मुलाकातें भी होती होंगी? सर हमें तो लगा था कि हमें जिस लड़की की तलाश थी वो हमें मिल गई, पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राधिका इस रिश्ते से नाखुश होगी, हमने कभी कल्पना भी नहीं की राधिका को इतना बुरा अंत मिलेगा। पापा अब क्या सुझाया आपको, राधिका की अलमारी में क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं वो मेरा एक फाइल है, वो उसे ढूंढ रहा था। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जाओ ना, तुम्हारा काम करो ना। ये लक मशीन हमारा लक बदल रही है नीलू। सही बोला, देखो इस बार तो हमने जम के माल लूटा है। 25 जुलाई को राधिका का फोन लखनऊ से दिल्ली की तरफ ट्रेवल हुआ था और 25 जुलाई की शाम को तकरीबन 6 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था रेठाला में, और सर यही वो जगह थी। राधिका ने 25 जुलाई को लखनऊ स्टेशन से वेद शक्ति ट्रेन ली जो कानपुर पहुंचती है 12:10 पर, दिल्ली पहुंचती है 4:45 पर, और उसी शाम 6 बजे रेठाला में उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। इस लिहाज से तो सर कोई गुंजाइश नहीं कि राधिका कानपुर में उतरी हो। लेकिन राधिका अपने घर वाले से तो यही कह के गई थी कि वो कानपुर जा रही है, लेकिन गई दिल्ली। तो क्या राधिका ने अपने घर वालों से झूठ बोला था? लेकिन किस मकसद से? क्या राधिका का दिल्ली में कोई जानने वाला हो? लेकिन सर राधिका के कॉल रिकॉर्ड्स में दिल्ली का कोई नंबर नहीं मिला। क्राइम सीन का डम डेटा निकलवाओ और चेक करो कि मर्डर वाले दिन कानपुर या दिल्ली का नंबर उस एरिया में कोई एक्टिव था क्या। ओके सर, पर एक बात है सर, मैं बद्री से मिला था, उसने बताया कि राधिका के पेरेंट्स ने उसका और राधिका का रिश्ता राधिका की मौत के 5 दिन बाद खत्म कर दिया था, 30 जुलाई को। What? Yes, sir. और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं जब राधिका के पेरेंट्स से मिला तो वो बोले हमारे लिए तो राधिका गुमशुदा थी, और जिस लड़की की शादी होने वाली हो वो इस तरह अचानक घर से गायब हो जाए तो आपको पता है ना लोग क्या क्या अटकलें लगाते हैं। बद्री जी को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो गया था तो हमने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। उनका जवाब सुन के मुझे यही लगा कि शायद वो लोग इस बात को मान बैठे थे कि राधिका को बद्री पसंद नहीं था इसलिए राधिका गायब हो गई। बद्री राधिका से 15 साल बड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राधिका की बद्री के साथ शादी हो रही थी इसी वजह से वो भाग गई हो? सर इसलिए राधिका के पेरेंट्स पर भी नजर रखने के लिए आदमी लगा दिए। ये भी चेक करो कि 25 जुलाई को राधिका ने टिकट कहाँ की ली थी, कानपुर की या दिल्ली की, उसी से क्लियर होगा कि राधिका की ये जर्नी प्री प्लान थी या फिर राधिका किसी और के प्लान का शिकार हुई। ओके सर।
ट्रेन रिजर्वेशन चेक करने के साथ पुलिस दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर राधिका के मर्डर स्पॉट रिठाला तक के बीच के एरियाज के कई सीसीटीवी स्कैन कर रही थी। ऑटो और टैक्सी चलाने वालों से भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। क्राइम सीन के एरिया का डम डाटा निकाला जा रहा था और वहीं लखनऊ में पुलिस राधिका से जुड़े हर शख्स पर नजर रख रही थी। अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, आता हूं ना मैं। अरे कुछ दिन अम्मा को संभालू फिर आता हूँ। अम्मा को बाद में संभाल, पहले बाप को संभाल। चाकू भी हमको चुमा लगा दिया। बाबा क्यों इतना गुर्रा रहे हो, क्या चुना कथा लगा रखा है? आरब कौन है? कौन आरब? वही आरब जिसके नाम राधिका का जमीन होगी, जो जमीन कायदे से हमारे नाम पे होनी चाहिए थी। तुम पहले ही उंडी मार दिया। क्या बात कर रहे हो आप? ए नौटंकी, हमको मत घुमाना, हम जानते हैं तुम्हारा षड्यंत्र है। यार वो तुम्हारा चमचा है जो तुमको जमीन का पैसा दिया है। आप पकड़ा गए हो क्या? हम आरब आरब को नहीं जानते हैं। साहब हम पिछले 2 साल से राधिका दीदी के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें यहाँ। देखो सुलक्षणा, घबराओ मत, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि राधिका के अपने माँ बाप और अपने भाई से रिश्ते कैसे थे। भाई राधिका दीदी के साथ नहीं रहते थे और पिताजी से बहुत चिड़ी चिड़ी सी रहती थी राधिका दीदी। अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता हमें सब। फिर राधिका की बद्री से शादी होने वाली थी, तो क्या राधिका इस शादी से खुश थी? साहब जब हमने बद्री जी को पहली बार देखा था तब हमें यही लगा था कि राधिका दीदी किसी के दबाव में आके शादी के लिए राजी हुई है। और इस बारे में हमने राधिका दीदी से बात भी की थी और वो बोली। सुलक्षणा अब हमें खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि सुकून की तलाश है। लेकिन दीदी वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं वो, और मुझे यकीन है कि मैं बद्री जी के साथ बहुत खुश रहूँगी। और सब राधिका दीदी का जवाब सुनकर हम खुद हैरान रह गए। आप क्या कह रहे हैं सर? राधिका मेरी कलीग थी, इसलिए वो मेरे साथ फोन पर बात किया करती थी। राधिका ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने से पहले भी तुम्हें फोन किया था? सर ऑफिस का एक पेंडिंग काम आ गया था, वो याद दिलाने के लिए उसने मुझे फोन किया था। तो राधिका रोज तुम्हें रात को 10-10 बजे ऑफिस का पेंडिंग काम याद दिलाने के लिए फोन किया करती थी? सर आप गलत समझ रहे हैं। सर मैं राधिका को अपनी बहन मानता था, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है, चाहो तो आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा राधिका तुम्हारी बहन जैसी थी, राधिका ने कभी तुम्हें इस तरह का हिंट दिया जो उसकी हत्या की वजह हो सके? करीब 1 महीने पहले हमारे बॉस ने हमारे स्टाफ के कई लोगों की छटनी कर दी थी। सर राधिका एचआर में थी, उसी ने सभी लोगों को न्यूज़ दी थी। उसके बाद ऑफिस में बड़ा बवाल हुआ था। क्या ये तुम तो बड़ा बवाला करती थी ना, हाँ कि मेरी माँ के ट्रीटमेंट के लिए इस कंपनी से लोन करवा दोगी, जॉब से निकलवा दिया तुमने। सर जॉब से तो बॉस ने निकाला था लेकिन तकलीफें राधिका को झेलनी पड़ी थी। तो तुम कहना चाह रहे हो कि राधिका का हत्यारा उन्हीं एम्प्लॉइज में से कोई है जिनको राधिका ने जॉब से निकाला था? नहीं सर ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जॉब जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी ब्रजेश और श्यामलाल को हुई थी। ब्रजेश और श्यामलाल? सलाम सर। हाँ सलाम, बोल क्या खबर है? राधिका के प्रेमी विजय की खबर है, एक नंबर का लड़की बारे साहब, बाराबंकी में संगम लॉज है, वहाँ आए दिन नई नई लड़कियाँ लेकर जाता है। वो लॉज वाला तो बता रहा था कि ये सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। तो ठीक है, इस वजह पे नज़र गड़ा के रख। पुलिस लखनऊ में राधिका से जुड़े हर इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन राधिका के दिल्ली जाने का राज अब भी दूर नजर आ रहा था। दो मिनट में सारी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाएगी, आने वाला टाइम आपके लिए लाइफ चेंजर होगा। Just relax, huh? कितने पैसे? बहुत पैसे हैं। सारे पैसे। अरे, इसका मशीन तो बंद करो, ये मर जाएगा। अरे, जल्दी। Hey, पापा। Hello? Hey, भाई साहब। मर गया। क्या? मर गया।
सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर क्या है, हमको बार बार उठा लाते हैं सर आप लोग। अभी तो उठा उठा के कुटेंगे भी अगर तुमने सच नहीं बोला तो। सर सब कुछ तो बता दिया आपको। सब कुछ? लेकिन तूने ये 3,40,000 रुपए का हिसाब नहीं किया अभी तक, जो राधिका के अकाउंट से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे किश्तों में। कभी 20,000, कभी 30,000, और एक बार तो सीधा 1,50,000। क्यों पैसे ले रहा था राधिका से? मदद के नाम पे हम उधार पैसे ले रहे थे राधिका से। उधार ले रहा था या फिर ब्लैकमेल कर रहा था राधिका को? सर नहीं सर, ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे सर। सर कसम खा के बोल रहे हैं, हमको बहुत प्यार करती थी, हमें दुखी नहीं। प्यार? अभी तक कितनी प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया है तुझे याद भी है? इसलिए मारा ना तूने राधिका को, क्योंकि उसने तुझे पैसे देने बंद कर दिए थे? मानते कि हमने उसको धोखा दिया था, लेकिन मारा नहीं उसको। राधिका तुम यहाँ क्या कर रही? देखो जाम में मत करो, मैंने देखा है किसी को। किसको देखा है तुमने? क्या बात कर रही हो राधिका? कहाँ छुपाया उसको? सर इसी वजह से उसने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था। हम बस उसको मना के अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे बस, लेकिन हमने उसको मारा नहीं है सर। आरव? जी सर। सर राधिका की जमीन आरव के नाम हो गई है, वो जमीन जो दादाजी ने राधिका के नाम करी थी। हमें तो इसमें राधिका के वकील का कोई झोल लग रहा है। नाम क्या वकील का? सत्येंद्र मिश्रा। वो तो ये भी बताने के लिए तैयार नहीं कि आरव है कौन। सुमित सर, वकील की डिटेल ले इनसे, जाके मिलो और पता करो आरव कौन है। सर राधिका की जिंदगी की कई ऐसी परतें थी जिनके कई चैप्टर्स थे, और आरव भी एक ऐसा ही सीक्रेट चैप्टर नजर आ रहा था जिसके बारे में कुछ साफ नहीं था। राधिका के घर वाले आरव को राधिका का कोई धोखेबाज प्रेमी मान रहे थे, जिसके चक्कर में राधिका ने अपनी जमीन भी उसके नाम कर दी थी। पर सच सबको चौंकाने वाला था, लेकिन ये राज भी अब तक कायम था कि 25 जुलाई की शाम को राधिका दिल्ली कैसे पहुंची। धीरज भाटिया, तू तो कह रहा था तुझे पता ही नहीं है राधिका दिल्ली गई थी, जबकि राधिका की ट्रेन टिकट तेरे बुकिंग आईडी से हुई है, गोमजी 124। किराई आईडी है ना? हाँ सर, वो राधिका मुझसे टिकट जरूर बुक करवाती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था सर। देख, अब कुछ भी मत छुपाना हमसे और ना ही झूठ बोलना। राधिका दिल्ली में कहाँ गई थी? वो रेठाला। रेठाला? वहीं राधिका का मर्डर हुआ था। देखिए सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। राधिका अक्सर रेठाला जाया करती थी। क्यों जाया करती थी? नहीं पता सर। रेठाला में किससे मिलने जाती? पिंकी छाबरा से। ये पता तुम? हाँ सुमित। सर मैं उस लॉर्ड सत्येंद्र मिश्रा से मिला, वो बता ही नहीं रहा है कि आरव कौन है। बोल रहा है कि जब तक हम लोग कोर्ट के ऑर्डर नहीं लाएंगे वो हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। What? हमसे कुछ भी छिपाना मत। 25 जुलाई को राधिका यहाँ भी आई थी ना, तुम्हारा उसके मर्डर से क्या ताल्लुक है बोलो। साहब मुझे तो मालूम भी नहीं है राधिका जी का मर्डर हुआ है। हाँ 25 तारीख को वो यहाँ आने वाली थी लेकिन आई नहीं। राधिका यहाँ क्यों आती थी? सब हुआ। आरव कैसा है पिंकी जी? एकदम मस्त है। आरव देखो कौन है आपसे मिलने। आरव की मम्मा आ गई आपके पास। तू इस बच्चे का नाम आरव है और ये राधिका का बेटा है? जी साहब। राधिका को तुम कैसे जानती हो और इस बच्चे का बाप कौन है? सर आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं। सर मैं राधिका को बहन मानता था, वो बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? जब से वो बच्चा आरव पैदा हुआ पिंकी के पास रह रहा है। तो पिंकी ने हमें बताया कि वो राधिका से तेरे थ्रू मिली थी। सर बिना शादी के राधिका को मां बनना पड़ा था।
वो अपने बच्चे को साथ में नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने उसे बहन समझकर उसकी मदद की थी। घुमा मत हमें। राधिका ने तुझे ही बता दिया कि वो माँ बनने वाली है और ये नहीं बताया कि उसके बच्चे का बाप कौन है। मुझे उससे ये तब पता चला जब वो माँ बन चुकी थी सर। उस दौरान वो 6 महीना हमारे दिल्ली ब्रांच में शिफ्ट हो गई थी, तब मुझे उसका पर्पस पता चल गया सर। वो अपने बच्चे की देखरेख के लिए किसी को ढूंढ रही थी, तब मैंने उसे पिंकी के बारे में बताया था। राधिका की बद्री के साथ शादी होने वाली थी। बद्री को इस बच्चे आरव के बारे में पता चल गया हो, कभी राधिका ने ऐसा कुछ हिंट दिया था? नहीं सर, पर वो चाहती थी कि बद्री से शादी करने के बाद आरव उसके साथ ही रहे। इस बच्चे के बाप के बारे में राधिका ने तुम्हें कभी बताया? नहीं साहब, उन्होंने तो कभी नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक बार जब राधिका मैडम बच्चे से मिलके जा रही थी तो एक औरत यहाँ आई थी। औरत? कौन औरत? मामा के साथ जाना है आरव को। मामा जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? मैंने देखा एक औरत चिपके हमें देख रही थी। राधिका मैडम जाने के बाद वो यहाँ आई और राधिका मैडम और बच्चे के बारे में पूछने लगी। वो औरत थी कौन? पता नहीं साहब। उस औरत का स्केच बनवा सकती हो? जी साहब। वो औरत कौन है जो राधिका के बारे में जानकारी ले रही थी? उसको अभी तक कुछ पता नहीं चला था। और ना ही पिंकी ये बता रही है कि आरव का पिता कौन है। वो औरत राधिका के मर्डर के पीछे हो सकती है। धीरज ने हमें बताया था राधिका ने दिल्ली अपना ट्रांसफर करवाकर अपने बच्चे की डिलीवरी की। एक काम करो, दिल्ली के सारे क्लिनिक्स हॉस्पिटल छान मारो, वहां से हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। राधिका का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। देखिए, हमें राधिका के कलीग धीरज और इस औरत पिंकी ने यही बताया है कि आरव राधिका का बेटा है। ये है पिंकी, जानते हैं आप इसको? नहीं, इसको नहीं जानते हम। पिंकी ने हमें बताया है कि ये औरत राधिका और उसके बेटे आरव के बारे में पूछताछ करने आई थी। इसको जानते हैं? नहीं, इसको भी नहीं जानते हम। बद्रीनाथ जी से मिलना है। आप? मैं उसकी माँ हूँ शकुंतला। क्या राधिका का एक बेटा है? जी। अच्छा, इस औरत को जानते हैं? हमें शक है कि राधिका के मर्डर में इस औरत का हाथ हो सकता है। नहीं सर, हम नहीं जानते। बद्रीनाथ जी, राधिका के कलीग धीरज ने हमें बताया था कि राधिका आपसे शादी करने के बाद अपने बच्चे आरव को आप ही के साथ रखना चाहती थी, अडॉप्ट करके। क्या ये सही है? हमारी हमेशा से एक विश थी कि हम शादी के बाद एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करें और उसे माँ का प्यार दें। क्या आप हमारी ये विश पूरी करेंगे? हाँ सर, हमने तब राधिका को कह दिया था कि हम शादी के बाद कोई अनाथ बच्चा अडॉप्ट कर लें। लेकिन सर, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका कोई अपना बच्चा था। सर, राधिका और मेरे बीच में कोई अफेयर नहीं था। लेकिन आरव तेरा ही बेटा है, ये मैटरनिटी क्लिनिक से पता कर लिया हमने। वो मेरी गलती थी सर, बस। करीब 1.5 साल पहले मैंने अपने पूरे स्टाफ के लिए अपने फार्म हाउस पे पार्टी रखी थी। वहाँ पे राधिका ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। चलो, मुझे धोखा दिया। मेरे होते हुए दूसरी लड़कियों, आराम से दूसरी लड़कियों। राधिका, राधिका, इट्स ओके, संभालो अपने आप को। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सर, उस दिन राधिका इमोशनली ब्रोकन थी। हम दोनों ड्रंक थे, इसीलिए
लेकिन सर अगले दिन हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम उस रात को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। फिर एक हफ्ते के बाद राधिका मेरे पास आती है और मुझे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राधिका, हमने मिलकर डिसाइड किया था ना, एक काम करो तुम अबॉर्शन करा लो। नहीं सर, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। राधिका, यू नो ना आई एम मैरिड। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। सर राधिका अपने डिसीजन से हटना नहीं चाहती थी, इसीलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। मैंने पर्पसफुली उसका ट्रांसफर दिल्ली में करवाया था सर, और यही नहीं इंसानियत के नाते जिस दिन डिलीवरी थी मैं उसे मिलने भी गया था। अब तक पुलिस के लिए हर मोड़ एक डेड एंड था और हर कोशिश नाकामयाब थी, और अब उनकी उलझने और बढ़ने वाली थी। ये 25 जुलाई की फुटेज है सर, जिस शाम राधिका का मर्डर हुआ था। और सर ये फुटेज देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राधिका को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया गया? किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी? डॉक्टर भूतेश्वर विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा एक कौन मैन है सर? लग बदलने की मशीन के नाम पे कई लोगों को लूट चुका है। दिल्ली के कई थानों में इसके नाम पे 420 के केसेस दर्ज हैं। दिल्ली में हमारी टीम इसके बारे में पता लगा रही है। बोलिए बदीना जी। जी, उस दिन मैं ही राधिका का पीछा कर रही थी। उस वक्त मैं भी दिल्ली में ही थी, अपनी भांजी से मिलने गई थी और उसी सोसाइटी में मैंने राधिका को देखा, इसलिए मैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए वहां गई। पर सर, मेरी माँ ने सिर्फ उत्सुकता में राधिका का पीछा किया था, उसकी हत्या में इनका कोई हाथ नहीं। सर मानता हूं कि बहुत लोगों को चूना लगाया पर किसी को मारने का नहीं सोचा था सर। वो गलती से एक आदमी मर गया था। किसी ने लाश डंप करते हुए हमारा वीडियो बना लिया था, फिर उस आदमी ने हमें धमकी दी। हेलो सुन, अगर तू चाहता है कि ये वीडियो पुलिस के हाथ ना लगे तो एक काम करना होगा। सर उसने हमें ब्लैकमेल किया सर, इसलिए दीदी वो आपको गाड़ी चलानी आती है क्या? हाँ, क्या हुआ? वो मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। चलिए मैं देखती हूँ। भाई साहब आप ठीक है ना? भाई साहब क्या कर रही हो? अरे बैग क्यों अंदर डाल रही हो मेरा? कौन है तुम लोग, क्या कर रहे हो? ये पकड़ इसको, पकड़ पकड़। उठा कौन जिसे तुम लोगों से ये सब करवाया? ये तो हम सोच ही नहीं पाए कि जिन जड़ों को हम इतना दूर दूर तलाश रहे थे वो जड़े तो हमारे इतने करीब थे। तो क्या सोचा था बे, हमको चंपत लगा के भाग जाएगा? एक मर्डर किया है ना, अब दूसरा भी करना पड़ेगा। देखो यही है ना वो लड़की, सिर्फ इसके हाथ और पैर काटने नहीं कहा था हमने, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट। इतनी नफरत, ऐसा भी क्या बिगाड़ा था राधिका ने तुम दोनों का? उसने हमसे हमारा पति छीन लिया था। आए दिन धीरज उसके साथ फोन पर ही चिपके रहते थे। हेलो, हाँ राधिका, हाँ तुम्हारी दिल्ली की 25 जुलाई की टिकट बुक करवा दी है। अरे अरे थैंक यू किस बात का, तुम बिना। चलो टेक केयर, बाय। और फिर पता चला कि दिल्ली में उनका बच्चा भी पल रहा था। रतन भैया को बताए हम, इनका भी खून खोला और निकाल ली हमने भड़ास। अब मेरी सुनो तुम थोड़ा,
धीरज राधिका को सच में अपनी बहन मानता था और वो बच्चा धीरज का नहीं किसी और का था। अब तुम अपने हाथ से इतना जेल में निकल जाएगी भड़ास। शक वो बला है जो अगर दूर ना हो तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और अच्छे अच्छे इसकी वजह से तबाह हो जाते हैं। राधिका ने जिंदगी में कई धोखे खाए, कई तकलीफें सहकर भी उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक लंबी तपस्या की। ये उसका साहस ही था कि उसने शादी किए बिना भी अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ये सच अपने माता पिता को बताने का साहस वो नहीं कर पाई। लेकिन उसके इस डर के दोषी उसके माता पिता भी हैं, क्योंकि अगर उन्होंने राधिका को समझने की जरा सी भी कोशिश की होती तो शायद राधिका का ये अंजाम नहीं होता। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जहां हमारी जिंदगी एक राज ना बन जाए, सब एक दूसरे से अपने दिल की बात खुलकर कह पाएं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। यार ये हमेशा गलत टाइम पर टपकती है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? ये मेरा घर है, पति हो तुम मेरे, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी और औरत के साथ? ये कोई और औरत नहीं है, मेरा नाम है इसका, प्यार करता हूं मैं इससे, समझी? और तुम्हारी भलाई चाहती हो तो निकलो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, अगर यहां से कोई जाएगी तो ये जाएगी, खबरदार मेरे पति पे तुम्हारी। जितनी बार निकालोगी उतनी बार मैं उसे घर ले आऊंगा। अगर जाना है तो तुम जाओ, डिवोर्स पेपर दिए साइन करो और निकलो। मीरा, मीरा, जीजा जी ताई को एक चांस तो देकर देखिए, आप जानते हैं ताई आपसे कितना प्यार करती है, कितनी चिंता करती है आपकी। मैंने कभी बोला है तुम्हें अपने मैरिड लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? क्यों ज्ञान दे रहे हो मुझे इतना? और इतना ही दुख हो रहा है उसका तो उसे समझा दो, डिवोर्स दे दे, अपना और मेरा जीना हराम कर रही है वो। आरती, अरे तुम रुको, मैं देखती हूं। प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। देखो श्याम भाव, मैं समझ रहा हूं लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे आरती को कोई तकलीफ ना हो, ये मतलब आपको भी तकलीफ ना हो। अभी भाऊ दिन रात उसको ऐसे रुलाना कोई सही बात तो नहीं है ना, कुछ महीनों की बात है, डिवोर्स हो जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे, भरोसा है ना मुझ पर, फिर अपने अपने रास्ते। हाँ एक तुम हो और एक वो आरती है, अपने पति से कितना प्यार करती है, अपनी शादी बचाने के लिए दिन रात रोती रहती है और वो कमी ना एक घटिया औरत के लिए उसे दुख देता रहता है। कभी अपनी बीवी के बारे में भी सोचा इस तरीके से? हाँ हमेशा सोचता हूं कि उसे कितनी शर्म आती होगी कि उसकी शादी एक काने से हुई है। ये इस आंख को देखकर शर्माती है ना अपने आप को मेरी बीवी बोलने में? हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं रिश्ते के लिए तुम्हें देखने आया था। आई तो चाहती मैं उस काने से शादी करूं? पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही है तू? कॉस नहीं कर रही हूँ मैं, सच बता रही हूँ। दिया इंसान को उसके चेहरे से नहीं परखना चाहिए, उसका बर्ताव तो देख। आई प्लीज दिया मुझे एक बात बता, अगर आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेरी या तेरी जीजा जी की आंख चली जाए तो हम क्या एक दूसरे को छोड़ देंगे? नहीं ना, अच्छा इंसान है, अच्छा कमाता है, तुझे खुश रखेगा, इससे क्या चाहिए तुझे ज्यादा? और शरीफ है वो। हाँ पता है कितना शरीफ है वो, अंकित की पढ़ाई के पैसे का लालच देकर खरीद रहा है ना वो, मुझे सब पता है। मुझे तेरे साथ साथ अंकित की जिंदगी भी सुधर जाएगी, मान जा बेटा मान जा, करेगी ना शादी?
सब कुछ जानने के बाद भी शादी की तुमने मुझसे? मुझे लगा था कि आरती के कुछ गुण तो होंगे तुम्हें, लेकिन मैं गलत था। खड़े तो जिंदा है, एम्बुलेंस को फोन करो। सर घर कब तक आओगे? पता नहीं, इसलिए पूछ रही हूं कि दारू पीकर आओगे तो घर पे खाना खाओगे या बाहर से खाकर आओगे? सुनो अपनी जुबान ना। किसका है? ऐसे ही रॉन्ग नंबर है। अब तेरा यार विनय भी रॉन्ग नंबर की लिस्ट में आ गया। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तेरा से चक्कर चल रहा है? मुंह मारती फिरती उसके साथ। हाँ चल रहा है चक्कर, तो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है विनय। एक मिनट, ये तो ले जाना ही भूल गए, पहन कर जाओ वरना लोग डर जाएंगे। हेलो विनय, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मनोज को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अच्छा विनय, तुम आ तो फिर से यहाँ आ गई। देखो मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है, जाओ यहाँ से। इस बार तुमको भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरे सबूत के साथ आई। ये देख लो। मुझे पता है तू चले वो दिया का यार विनय है ना, अब हिम्मत से तू बाहर निकल ले। दिया ए दिया, ये भाग गई क्या अपने यार के साथ? लगता भाग गई। जलने की घर को आग लगा गई क्या मेरे? दिया का मतलब तुम्हारे आने से कुछ देर पहले उसको जलाया गया। तुमने किसी की आवाज सुनी या किसी को जाते हुए देखा? हाँ सर, हाँ सर एक आवाज सुनी थी सर, पर
उससे मेरे पर लगा कि ऐसी कोई आवाज होगी, लेकिन सर अभी मुझे पक्का यकीन है सर कि वही था जिसने जिसने दिया को मार के जला दिया है सर, वही था सर। शिरके सर फॉरेंसिक टीम को बुला, घर के आसपास की एविडेंस कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और ये दिया और मनोज, इनके फैमिली के डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। अरे मला कळलं ना, एकदा सांगितलं की कळतं, मी पोलीस ऑफिसर आहे। हा ठीक है, वो करतो करतो, ठेवून दे। चल सर, मनोज के पड़ोसियों से बात की है सर, उनका कहना है कि कल दोपहर के बाद दिया को किसी ने नहीं देखा सर। इन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं और ये मनोज छोटा मोटा बिल्डर है, अच्छा खासा कमा लेता है सर, लेकिन दोनों के पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है। दोनों मियाँ बीबी के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है सर, इतनी लड़ाई की आवाज़ें पड़ोसियों तक को सुनाई देती है। अरे उसमें क्या नई बात है, मैं भी अभी वही कर रहा था, कुछ नई चीज़ बता। सर वो दिया की बहन आरती के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, 1 साल पहले मनोज ने आरती के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया था। ये केस मैंने ही हैंडल किया था सर, मामला कोर्ट तक गया था, कोर्ट में आरती ने मनोज के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का भी चार्ज लगाया, लेकिन सर ये रेप साबित नहीं हो पाया। डिफेंस में मनोज का ये कहना था कि आरती ने ये सब जानबूझकर किया है, और सर फैमिली के नाम पर दिया और आरती की माँ सावित्री है और एक छोटा भाई अंकित है। अरे मनोज की फैमिली में? सर मनोज की फैमिली में सिर्फ दिया है, मनोज अनाथ है। अच्छा मनोज के घर में कुछ मिला, मर्डर वेपन, फिंगरप्रिंट्स? सर हमारी फॉरेंसिक टीम ने सभी जगह अच्छे से जांच पड़ताल की है, लेकिन सर कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला। हाँ लेकिन फिंगरप्रिंट के नाम पर घर में मनोज और दिया के ही फिंगरप्रिंट है। हाँ लेकिन किचन और बाथरूम में कुछ लंबे बाल मिले, और हो सकता है कि वो बाल दिया के ही, और घर के बाहर ब्लड सैंपल्स भी मिले। मैंने दोनों सैंपल्स को डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया, अब सर डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि बॉडी दिया की है। उसकी माँ को इन्फॉर्म किया? यस सर। नहीं, मेरी दिया नहीं मर सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दिया। देखिए आपके दुख में हम शामिल हैं, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वैसे देखा जाए तो ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन कुछ सवालों के जवाब चाहिए हमें। दिया को कौन मार सकता है, आप किसके ऊपर शक, क्योंकि दिया के पति मनोज ने कहा था कि उन्होंने किसी को देखा था वहाँ उस वक्त। झूठ बोल रहा है वो, उसी ने मारा मेरी ताई को। ये क्या बकवास कर रहा है तू, पागल हो गया? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं मैं। हम तीनों भाई बहन एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छिपाते थे, सारी बातें शेयर करते थे। तब दिया था ही परेशान रहती थी, रोती रहती थी और मुझे बताती थी कि वो हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते रहते। ये भी लगता था कि मनोज जीजा जी की आरती ताई के साथ जबरदस्ती वाली बात भी सच है, और तब से उनमें झगड़े शुरू हुए थे, और मनोज जीजा जी ने तो कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर मैंने दिया को नहीं मारा सर, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। धमकी दी थी ना सर? धमकी दी थी, लेकिन उस समय मैं गुस्से में था सर। तो इस मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है तू, दिया को मार सकता है। इसकी 3 वजह, 1 तो उसका पति है, 2 तुम दोनों के बहुत झगड़े होते थे, और 3 और तूने बताया था ना कि जब दिया की बॉडी जल रही थी तब वहां तू गया था, तो इसकी गवाही देने वाला कोई गवाह नहीं। सर मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो खुद परेशान था सर इस शादी से, पूरी फैमिली ने मिलकर धोखा दिया था मुझे, और सर दिया मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, पैसों के लिए शादी की थी उसने मुझसे। शादी से पहले उसका किसी विनय नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, और अभी 3-4 महीने पहले वापस से उसका उससे अफेयर शुरू हो गया। तेरे को कैसे पता? सर कल जब मैं ऑफिस जा रहा था तो विनय का फोन आया, मैंने दिया को पूछा तो उसने मुझे खुद बताया कि हाँ चल रहा है चक्कर, तो तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है विनय। ये 4th वजह, समझा तू क्या बोल रहा है, तेरी ये गवाही तेरे खिलाफ जा रही है, पर इसी वजह से तूने दिया का मर्डर किया। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ। चले गए उनजात, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने मैम मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। किसकी? मेरी बीवी 2 दिन से गायब है। बीवी 2 दिन से गायब है और तुम? श्याम देशपांडे। आप मुझे कैसे जानते हो? बैठो। दिया के माँ के घर में तुम्हारा फोटो देखा था, सब कुछ बताया उन्होंने तुम्हारे बारे में, तो दिया का मर्डर तुमने किया है। ये क्या बोल रहे हो? मैं दिया का मर्डर क्यों करूंगा? और हाँ यहाँ मैं दिया के लिए नहीं,
आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है। आरती कैसे गायब हो सकती है? वो तो मनोज के अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर है। 2 दिन पहले ही पैरोल पे बाहर आई थी वो, और वो बात मुझे आज पता चल रही है जब मैं उसे मिलने जेल पहुंचा। कमाल है, तुम्हारी बीवी जेल से बाहर आई और तुम्हारे पास नहीं है? नहीं, और यही पूछने के लिए मैंने अंकित को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया मेरा। तुम्हारी बीवी कहाँ है पूछने के लिए तुमने साले को फोन किया और उसने बताया नहीं? तुम्हारी बनती नहीं क्या तुम्हारी बीवी के साथ? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आरती के पास फोन नहीं था, और अंकित और आरती बहुत क्लोज है, तो मैंने सोचा कि अंकित को पता होगा आरती कहाँ है। दिया को क्यों नहीं फोन किया तुमने? दिया से भी नहीं बनती तुम्हारी? मनोज की वजह से आरती दिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी, और इस जानलेवा हमले के बाद तो कुछ और भी। कुछ ही दिन पहले अंकित और दिया में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, किस बात पे मुझे पता नहीं, तो मैंने सोचा कि अंकित ही है जो शायद मुझे बता सकेगा कि आरती कहाँ है। तृप्ति, आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा लेना, आरती की सारी डिटेल्स दे देना बाहर, बाकी सब हम देख लेंगे। सर मैं तब भी सच बोल रहा था और आज भी सच बोल रहा हूँ, हम तीनों भाई बहन एक दूसरे से करीब थे। तुमने ये तो बात बताई उस दिन कि तुम करीब थे, लेकिन ये झगड़े वाली बात नहीं बताई थी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आपके सामने ताई की इमेज खराब हो। तो तुम्हारी इमेज खराब होगी तो चलेगा, किस बात से झगड़े होते थे? सर वो ये घर बेचना चाहती थी, उन्हें बस अपना हिस्सा चाहिए था, उन्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं थी। दिया को इतने पैसों की जरूरत थी कि वो अपना ही घर बेचना चाहती थी? पता नहीं, हो सकता है वो रोज के लड़ाई झगड़े से मारपीट से तंग आ गई हो और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। तुम कुछ बताना चाहती हो? मैं क्या बताऊं सर, मुझे उसके बारे में जो कुछ पता चलता इसी से पता चलता था, वो कहां मुझे कुछ बता कर जाती थी, लेकिन आरती का और उसका स्वभाव बहुत ही अलग था। लेकिन आरती की जिंदगी देखो, उस मनोज के वजह से वो पूरी जिंदगी जेल में है। आरती जेल में नहीं है, बाहर है पैरोल पे। घर क्यों नहीं आई और फोन भी नहीं किया? अंकित तुझे कुछ पता है? नहीं आई, इसे भी नहीं पता, फोन भी नहीं किया और घर भी नहीं आई वो। फिर साहब मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है मेरी बेटी, बोलिए ना। शिरके अजीब बात है ना, एक ही फैमिली की दो बहनें, दोनों के शादी को लेके प्रॉब्लम है, उनमें से एक बहन गायब है और एक शायद मर चुकी है। बड़ी बहन आरती ने छोटी बहन दिया के पति मनोज के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया, ये बात दिया को पता है, लेकिन फिर भी उसने आरती को कोर्ट में बचाने की कोशिश नहीं की। जिस दिन आरती पैरोल पे बाहर आई उसी दिन दिया का मर्डर हुआ, और आरती पैरोल पे बाहर आई ये किसी को पता नहीं। तो क्या आरती को पता है दिया का मर्डर हुआ है? सर मैंने मनोज के यहाँ 2 महीने पहले तक उसकी एक्स सेक्रेटरी निकी जो उसके यहाँ काम करती थी उससे बातचीत की, उसने बताया कि मनोज की रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी। मैडम मनोज कुलकर्णी बहुत घटिया आदमी है, वो लड़कियों को ऐसी नज़र से देखता है कि अभी खा जाएगा, और उसने मेरे साथ एक बार नहीं कई बार गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्वालिटी सप्लायर से पूछो कि उनका कोटेशन अभी तक क्यों नहीं आया है, और वो शिंदे को पूछो कि वो शिवाजी नगर वाली साइट पे माल पहुंचा कि नहीं अभी तक। सर ये डॉक्यूमेंट्स को साइन कर दीजिए। इतना फिट कैसे रह लेती हो तुम? कुछ टिप्स हमें भी दो कि लड़कियां हमारी तरफ भी पलट पलट कर देखें। देखो जरा क्या कमाल का फिगर है तुम्हारा। सर निकी सर मैं बात याद जब उसने पहली बार मेरे साथ घटिया हरकत की तो मैं शॉक थी कि मैं क्या करूं, और जब ये बात मैंने उसकी बीवी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया, और जब सेकंड टाइम उसको ये वीडियो दिखाई तब उसको यकीन हुआ कि उसका पति कितना कमीना आदमी है। ये रही वो वीडियो। ये वीडियो तुमने दिया को कब दिखाई थी, डेट याद है? मैडम 14 जून सुबह। इसका मतलब 14 जून को निकी ने दिया को ये वीडियो दिखाई और उसी रात दिया का मर्डर हुआ। मतलब मनोज के खिलाफ हमारे पास और एक एविडेंस है, दिया का मर्डर मनोज ही कर सकता है। सर दिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 जून की रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है।
बॉडी पर 4 बार वार किया गया था सर। उसके बाद उसके बॉडी को पेट्रोल डाल के जला दिया गया। राइट सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई सर। रिपोर्ट के मुताबिक घर के किचन और बाथरूम में जो बाल मिले थे उसका DNA बॉडी से केवल 50% ही मैच करता है। और सर घर में जो दिया की मेडिकल रिपोर्ट मिली थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच नहीं करता। उल्टा सर जो आरती की मेडिकल रिपोर्ट हमने जेल से मंगाई थी उसका ब्लड ग्रुप घर के बाहर जो ब्लड मिला था उससे मैच करता है। मतलब शिरकी फैमिली में 3 औरतें थी जिसमें से एक जिंदा है, एक गायब है, एक मर चुकी है। और दिया के घर में जो हमें बाल मिले वो बॉडी से सिर्फ 50% मैच होते हैं और ब्लड आरती से मैच होता है। शिरकी हम गलत हैं। मर्डर आरती का हुआ है, दिया का नहीं। जिस बात ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे वो ये थी कि मरने वाली औरत दिया नहीं बल्कि आरती थी। पर सवाल ये था कि आखिर आरती इतनी रात को दिया के घर क्यों गई थी और उसे किसने और क्यों मारा? क्या मनोज ने आरती का मर्डर किया था क्योंकि आरती ने मनोज पर चाकू से वार किया था? दूसरा सवाल ये था कि दिया आखिर थी कहाँ? अपने बॉयफ्रेंड विनय कुलकर्णी के साथ कहीं गायब थी, सही सलामत थी या फिर उसके साथ भी कोई अनहोनी हुई थी? सर खबर मिली है कि विनय कुलकर्णी दिया के 4 महीने के बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए नवजीवन क्लिनिक पहुंचा है। वहाँ क्लिनिक में उसने अपना आधार कार्ड जमा किया था, वहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सर। और सर ये विनय भी 4 दिन से गायब है। दिया अंदर जाइए। घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। देखना अब हमें एक होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। टेंशन मत लो, जाओ मैं हूँ यहाँ। इसका मतलब एक कन्फर्म है कि ये दिया विनय के साथ है। राइट सर। सर जेल अथॉरिटी से पता चला है कि पैरोल मिलने के बाद आरती ने अपने पति श्याम देशपांडे को फोन किया और कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। और सर पैरोल का पूरा इंतजाम किसी और ने नहीं दिया नहीं करवाया था और उसने इसके लिए वकील नितिन वर्तक को अपॉइंट किया था जो कि इसी केस में मनोज का भी वकील था जिसने आरती को सजा दिलवाई थी। शिरके ये दिया और विनय के लिए बोलो जारी करो और उस वकील को बुला। श्याम का बहुत फिक्र थी ना आरती की, पूछताछ करते उससे। सर मुझ पर यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। 14 जून को आरती का कोई फोन नहीं आया। चाहे तो आप मेरा फोन चेक कर सकते। मैं तो ऐसे सब में से बाहर नहीं आ पाया कि आरती का मर्डर हो चुका है, वो मर चुकी है। लैंडलाइन पे गया होगा। हाँ पता नहीं मुझे सर, क्योंकि उस दिन मैं घर पे था ही नहीं। मैं मेरे फ्रेंड के घर गायतोंडे उसके घर फुटबॉल मैच देखने गया था, वहीं पे डिनर किया और लेट नाइट घर पे आया। तो शायद दिन भर में कभी फोन आया होगा तो पता नहीं। श्याम मैं वो, ये कौन? ये मीरा मेरी असिस्टेंट। मेरा बिजनेस है, शादियों में इवेंट्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करता हूँ। घर पे ही ऑफिस है मेरा। तो जिस दिन ये गायतोंडे ना, हाँ गायतोंडे के पास गए थे तो आप तो घर पे ही थे ना, मतलब ऑफिस में? सर दोपहर में तो मैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी और रात को वापस आई। कमाल है, ये घर को ऑफिस कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं ऑफिस के काम से बाहर गई थी। वैसे ऑफिस आवर्स क्या है? नहीं मतलब दोपहर में आप ऑफिस के काम से बाहर गई, वापस रात में आई, ओवर टाइम कर रही थी या नाइट शिफ्ट? सर वो शिरके तुम्हारा एड्रेस देना घर का, और आप ऑफिस के काम से जा गई थी ना, वहाँ का भी एड्रेस देना। चाय क्या पीला ही है? थैंक यू सर। अगले टाइम शक्कर ज़्यादा डालना। ठीक है सर। शिरके ये बात तो कन्फर्म है कि ये मीरा श्याम के असिस्टेंट नहीं उससे ज़्यादा है। ये केस हमें जितना इजी लग रहा था उतना इजी नहीं है। देखो ये श्याम के पास आरती को मारने का मोटिव है, पर उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आरती को पैरोल मिलेगा वो सीधी घर चली आएगी, और इसलिए वो मीरा के साथ बिंदास रह रहा था। आरती जब घर गई तो मीरा को लेके उसका झगड़ा हुआ, वो दिया के घर जाने निकली, शाम उसके पीछे गया और उसने आरती को मार दिया। सर मनोज भी तो हो सकता है। कैसे? सर हो सकता है कि पेरोल से निकलने के बाद आरती शाम के घर ना जाकर मनोज के घर गई, इस बात का जवाब मांगने की कोर्ट में मनोज ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम क्यों लगाए और गुस्से में आकर मनोज ने उसका मर्डर कर दिया।
मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुमने मुझे झूठे केस में फंसाया पर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, जेल भेजूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। सर एक और सस्पेक्ट है दिया। सर एक और एंगल है प्रॉपर्टी वाला। इसे पैसे तो चाहिए थे, तो एक वारिस कम होने की वजह से उसे पैसे का शेयर ज्यादा मिलता, इसलिए जब आरती उसके पास पहुंची तो उसने आरती को मार दिया। ये मीरा शाम की सो कॉल्ड असिस्टेंट, इसके पास भी मोटिव है। उसे लगा होगा कि जब आरती घर वापस आ जाएगी तो शाम मीरा को घर से बाहर निकाल देगा, और इसी वजह से उसने आरती को मारा। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मीरा को कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। सर एक्सक्यूज मी। दिया का कुछ पता चला? नहीं सर। लो चाय पी लो। अरे रो रही हो? घर वालों की याद आ रही है। मैंने नहीं, मैंने सोचा था ताई को जेल से आजाद करवाऊंगी, उस मनोज को उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। देखो सर, ये शाम की असिस्टेंट मीरा की फाइल, जिसका असली नाम शबनम है। सर इसका काम पैसे वाले लोगों को फंसा के उनकी वीडियो बनाना और फिर उसे ब्लैकमेल करना। सर उन्हीं पैसे वालों में से एक ने इसकी कंप्लेंट भी की, पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि वो पहले गुजर गया, इसलिए ये अभी तक खुला घूम रही है। गुड वर्क तृप्ति। मीरा और शबनम, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवा, और मर्डर के वक्त ये कहाँ थी पता कर। सर एडवोकेट नितिन वर्तक आपको मिलने आए, भेजो उनको। सर मनोज गिरा हुआ इंसान है, ये बात सच है कि मनोज ने आरती पर रेप करने की कोशिश की थी, जिसके डिफेंस में आरती ने उसको चाकू से वार किया था। तुम रो मत। तुम जब रोती हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आरती। तुम बिल्कुल रो मत। तुम रो मत आरती। छोड़ो, तुम दारू पी के आए हो। मैं प्यार करता हूँ आरती तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी बहन के पति हो तुम। शर्म आती है उसे इस कहानी को अपना पति कहने में। फिर तुम ऐसी नहीं हो आरती। आरती और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मनोज ने खुद मुझे बताया था। कमाल है, मनोज ने आपको सब सच बताया था, फिर भी आपने ये केस ली और आरती को सजा दिलवाई। केस लड़ना और केस जीतना मेरा काम है, और जब बड़ी रकम मिले तो केस हारना कौन चाहेगा। उल्टा आरती ने मेरा काम आसान किया था कोर्ट में ये कहकर कि ये सब हुआ उस वक्त आरती और मनोज के अलावा घर में कोई नहीं था। आरती ने ये भी कबूल किया कि उसने चाकू से वार किया था मनोज पर। अब आरती के पास निर्दोष होने का कोई सबूत भी नहीं था, पर उसने गुनाह कबूल किया था। तुम जैसा वकील हर इनोसेंट इंसान के खिलाफ अगर केस लड़ेगा ना तो उसको न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर ये आरती को बाहर पेरोल पे लाने का नाटक क्यों किया? ये आइडिया कब आई? वापस आपको गिल्ट फील हुआ? इंसान हो सकता है पर हुआ नहीं। कुछ महीने पहले दिया मेरे पास आई थी अच्छे डिवोर्स वकील के बारे में पूछने के लिए। वो मनोज से काफी तंग आ चुकी थी, तो मैंने उसे एक अच्छे वकील का नंबर भी दिया था। थैंक यू। वेलकम। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। आरती ताई के साथ मनोज ने सचमुच में जबरदस्ती की थी या ताई ने गुस्से में आकर उसे चाकू मारा था? दिया को मैं झूठ नहीं बोल पाया। आरती कोर्ट में सच बोल रही थी। उसने मुझे पूछा कि क्या आप आरती को सजा से बचा सकते हैं? मैंने उसे कहा कि सजा से तो नहीं बचा सकता, लेकिन पेरोल पे तो जरूर बाहर निकाल सकता हूँ। आफ्टरऑल 14 जून को आरती को रिहा कर दिया गया। बोलना है तो सच बोल, झूठ बोलेगा ना तो बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को। तूने आरती को मारा ना, बाद में जला दिया और हमको गुमराह करने की कोशिश की कि तूने दिया को जलते हुए देखा। तेरे को पता था दिया विनय के साथ भाग के गई है। सर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने आरती को नहीं मारा, मैं तो प्यार करता था सर आरती से। सर क्या करता था? तूने पहले उसका रेप किया, बाद में उसको झूठे इल्जाम में अंदर करवा दिया। जेल भिजवाना नहीं चाहता था सर, पर जब मैंने वो रेप वाली बात सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया सर, इसलिए मैंने उस पे
अटेम्प्ट मर्डर का इल्जाम लगा दिया। सर जब तक मुझे पता चला कि मुझसे गलती हो गई है बहुत देर हो गई थी सर। सच कह रहा हूँ सर। सच कह रहा है। सच बोल रहा है। सच बोल रहा है। नहीं नहीं सर। सर ये मीरा की मोबाइल लोकेशन सर इसके मुताबिक उसने दिया के घर तक आरती का पीछा किया और सर शाम की गायतोंडी वाली स्टोरी को भी क्रॉस चेक किया। सर शाम झूठ बोल रहा है। उस दिन शाम 5 बजे वो घर पे ही था। उसने पास से रिसीव किया और साइन भी की। ये देख भाई ये शिरकी है ना इसके हाथ में अभी खुजली हो रही है। वो जब मारना शुरू करेगा ना तो उसको मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। शिरकी बक बा पहला। नहीं 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 बता लो मैं अरे बोला पेरोल पे आरती छूटने के बाद सीधा घर पे आई थी। तुम कौन है डार्लिंग? ओ ये तो मर्डर है ना। अच्छा तो तू जेल से छूट कर आई है या भाग कर? अपना मुंह बंद रख मैं शाम से मिलने आई हूँ। ये तेरा घर नहीं ये मेरा घर है और अब शाम से तेरा कोई वास्ता नहीं है समझी? इसलिए इज्जत से चली जाओ वरना धक्के मार के निकाल। अपनी औकात में रहे। हमारा डिवोर्स नहीं हुआ अब तक और जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता ये मेरे पति और ये मेरा घर। बस करो अभी निकलो यहाँ से। जाओ अपने बहन के घर पे जाओ। मेरा जीना हराम मत करो। वही तो नहीं किया मैंने अब तक पर अब करूंगी। सिर्फ तुम्हारा नहीं इसका भी छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। ये ऐसे चुप नहीं बैठेगी अब इसे चुप बिठाना पड़ेगा और इसका खेल तो मैं खत्म करूंगी। क्या कर रही है तुम? मीरा 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 मतलब मीरा ने आरती को मारा और उसको जला दिया? पता नहीं क्योंकि जब वो वापस आई तब उसने मुझे कहा कि वो आरती को नहीं मार पाई। रास्ते में कहीं गुम हो गई आरती। मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ इसलिए मैं आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया ड्यूटी मिसिंग कंप्लेंट ताकि अगर कुछ हुआ तो मैं बच जाऊं। लेकिन जब मुझे पता चला कि दिया का नहीं आरती का मर्डर हुआ है तब मुझे ऐसे लगा कि मीरा मुझसे कहीं झूठ बोल रही। जिस दिन आप मेरे घर पे मुझसे और मीरा से सवाल करने आए थे उसी दिन से मीरा अपने सामान के साथ गायब है। तूने और मीरा ने दोनों ने मिलकर आरती को मारा और उसको जलाया? नहीं सर नहीं सर। खड़े सर क्यों जा? सर नहीं किया सर ऐसे कुछ नहीं किया है सर। सर खड़े बोल लो कैसे तो सर नहीं। फिर क्या मीरा को जल्द से जल्द ढूंढो नहीं तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब हेलो मैं आप ही के पास आ रहा था। एक्चुअली मुझे कंप्लेंट लिखवानी है सर। मेरे घर में 2 बार चोरी हो गई अच्छा खासा कैश गायब हो गया। प्लीज हेल्प कीजिए सर। आपका नाम? जी मेरा नाम हरेश लालवानी है बिल्डर। पहली बार चोरी हुई तो 50,000 रुपये गायब। मुझे लगा जहाँ से सामने से पेमेंट आई थी वहाँ से कुछ झोल होगा। उन्हें कंफर्म किया उन्होंने कहा नहीं पूरा पैसा दिया है और अब दूसरी बार 1,00,000 रुपये गायब हुए तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। शिरके कंप्लेंट लूँगी और जाके चेक करो। कंप्लेंट लिखवा दो। लालवानी जी हमने सारे सीसीटीवी फुटेज एविडेंस सब कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी आपके पैसों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है चलो। ये जो लड़का अभी यहाँ से गया ये आपका कौन लगता है और आपकी बेटी के साथ क्या कर रहा है? ये मेरी बेटी का मंगेतर है। क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ करना पड़ता है। चलो अब ये तो साबित हो चुका है कि जो मर्डर हुआ और जो बॉडी जलाई गई वो आरती थी तुम नहीं। आरती को 4 बार चाकू से मारा गया। सर इसे पता था कि आरती पैरोल पर छूटने वाली है। ये उससे मिलकर ही निकलना चाहती थी पर मनोज को हमारे बारे में पता चल गया तो मैंने ही इसे कहा कि अभी चलते हैं बाद में मिल लेंगे। सर मैं उस दिन मनोज की वजह से ताई से नहीं मिल पाई।
और अब कभी मिल भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें जेल से आजाद करवाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था ये आजादी उनकी जान ले लेगी। तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, नहीं थे ना, और तुम्हारे माँ ने और अंकित ने तुम्हारा घर बेचने से मना कर दिया था। तुमने मांगे थे ना पैसे उनसे? हाँ मांगे थे, लेकिन मैंने कोई भीख नहीं मांगी, अपना हिस्सा मांगा था। उन्हीं के कहने पे, उन्हीं की जबरदस्ती पे मैंने उस मनोज से शादी करी और उसने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो कभी मुझे बीवी माना और ना ही कभी मुझे छोड़ा। जिस फैमिली के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी, उन्होंने क्या किया मेरे लिए? मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोचूं? क्यों ना अपना हिस्सा मांगूं? क्यों विनय के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत ना करूं? और सिर्फ भाई नहीं, नहीं, माँ ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई। ये क्या लगा रखा है डिवोर्स? हाँ, अरे अपना नहीं तो हमारे बारे में तो सोच। अरे और कितना सोचूं आई, तुम्हारे और ताई के कहने पे मैंने उस मनोज से शादी की ताकि इसका भविष्य बन सके। अब बन चुका ना भविष्य इसका। अब तो मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, अब तो मुझे विनय के साथ जाने दो। फिर तुझे उस विनय का भूत सवार हो गया? अरे जो तुझे दो वक्त का खाना तक नहीं दे सकता, उसके लिए तू इतने बड़े आदमी को ठुकरा रही है? भाई तू अपने पैसे का लालच अपने पास रख, मैं कम में गुजारा कर लूंगी लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। कम में गुजारा कर लेगी ना, फिर हिस्सा क्यों चाहिए तुझे? अरे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, हक मांग रही हूँ अपना। शादी करा दी, सब कुछ दे दिया और क्या चाहिए तुझे? शादी के नाम पे ना बेचा था आपने मुझे उसे। भाई मैंने तब आप लोगों की मजबूरी समझी ना, अब आप मेरी मजबूरी समझो। अगर आप ही लोग मुझे फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं टूट जाऊंगी। लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, जो कुछ भी है अंकित का है, तेरा नहीं है। तो अब तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, मैं अपना हक लेके रहूंगी। क्या करेगी तू? क्या देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मेरी बात सुन ले। क्या करेगी? बस करो तुम दोनों। ताई तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा, लेकिन तेरा एहसान नहीं लूंगा। अरे सुन सुन के कान पक गए मेरे, तेरे लिए किया, तेरे लिए किया। कुछ दिनों बाद मुझे एक एजेंट का फोन आया कि अंकित घर बेचना चाहता है। मुझे लगा मेरा दुख समझ रहा है, फिर मनोज को मेरे और विनय के बारे में पता चल गया तो मैं घर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद मैंने ताई के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। ठीक है जा सकते हो तुम लोग, लेकिन जब तक केस चालू है शहर छोड़ के बाहर नहीं जाना, बुलाऊंगा आना पड़ेगा। बोलो शिरके, लेके आओ उसको। तृप्ति सर, एक नया एंगल सामने आया है, शायद पुराना है। लालवानी के घर से शिरके का कुछ इंटरेस्टिंग हाथ लगा है। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने खुद के घर में चोरी की। बिल्कुल सही अंदाज निकला आपका, हमने आपके घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ऐसा पता चला कि आपके घर में सिर्फ आप और आपके पापा के अलावा कोई नहीं। तो पापा अपने खुद के पैसे की चोरी क्यों करेंगे? कुछ लॉजिक नहीं ना बनता, तो कौन कर सकता है? हाँ वो सर, हाँ बोलो बोलो, सच बोलो। वो चोरी मैंने की है सर, पर सर खुद के लिए नहीं, अंकित की हेल्प करने के लिए की थी। क्यों सर? वो अंकित को कोई किसी वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। कौन सा वीडियो? सर मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो। अंकित ना बहुत रोता था, बहुत परेशान था, तो बस सर उसको हेल्प करने के लिए मैंने पापा के पैसों में से पहले 50,000 और बाद में 1,00,000 रुपए निकाल के दे दिए। हरेश लालवानी के घर में चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया, जो कि खुद उसकी अपनी बेटी कंचन थी, जो अपने मंगेतर अंकित को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी कर रही थी। सवाल यह था कि क्या वाकई कोई अंकित को ब्लैकमेल कर रहा था, और अगर हाँ तो क्यों और किस लिए? अंकित और उसके ब्लैकमेलर का सच जानने के लिए पुलिस ने एक चाल चली जिसमें हरेश लालवानी ने भी उनका साथ दिया। लालवानी के घर में मौजूद तमाम कैश को मार्क किया गया और उसे पाउडर लगाया गया, और कंचन को भी इस बात की हिदायत दी गई कि वो इसकी खबर अंकित को ना लगने दे। फिर जैसे ही अंकित ने कंचन से और पैसे मांगे, कंचन ने फिर से पैसे चुराकर अंकित को दिए, और अंकित ने हर बार की तरह यही कहा कि उसे ये पैसे ब्लैकमेलर को देने हैं आखिरी बार। आखिरी बार दे रहा, इससे आगे मैं तुम्हें और पैसे दे नहीं सकता।
पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, मैं जब जब मांगूंगी तब तब देने पड़ेंगे, इसलिए आगे के लिए सोच के रखना। इससे आगे तू मांग ही नहीं पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। चाकू फेंक वरना गोली मार दूंगा। मैंने जानबूझकर दिया था कि बात एक एजेंट से करवा दी थी ताकि वो कुछ दिन तक तो चुप रहे, लेकिन मैंने आई के जाली दस्तखत करवा कर घर को गिरवी रखवा दिया था और उसके लिए खरीदार भी मिल गया था। मैं बस हमारे घर को बेचकर खुद के लिए और पेंशन के लिए एक नया फ्लैट खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि दिया ताई के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि आपका सीधा सीधा शक मनोज जीजाजी पर ही जाएगा। उस दिन जब मैं दिया ताई के घर पहुंचा तो भारी थी, तो मैंने पीछे से जाकर उन्हें मार दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो दिया ताई नहीं आरती ताई थी। दिया आरती ताई ने दिया ताई को आवाज लगाई बचाव के लिए। सर, मैं आरती के पीछे गई थी आरती को मारने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि मेरा काम तो अंकित कर रहा है। पर मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, इसीलिए मैंने किसी तरह रो धोकर कंचन को मनाया कि वो उसके खुद के घर में चोरी करे, और हाथ कुछ नहीं लगा। शिरके, अंकित के खिलाफ आरती का मर्डर और मीरा और शबनम के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और सबूत छुपाने के जुर्म में चार्जशीट दाखिल करो। ले जाओ इनको। जिस चाकू से अंकित ने आरती का मर्डर किया था, पुलिस ने उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। रिपोर्ट में चाकू पर आरती का खून और अंकित की उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे यह साबित हुआ कि आखिर अंकित ने ही अपनी सगी बहन आरती का मर्डर किया था। ये केस हमें सिखाता है कि गलत तरीकों से अपने सपनों को पूरा करने का तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये चालाकियां, ये पैतरे सिर्फ और सिर्फ आपको जेल की ओर ले जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।